हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जनरल रिव्यूज़ ऑफिशियल एंड दिस इज़ अमित सिंह। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं एक पतंजलि का एक और नया प्रोडक्ट पे रिसर्च करके आपके सामने लाया हूँ। सो दोस्तों, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि थंबनेल में लिखा है, पतंजलि न्यूट्रीला, इसे बॉडी का बूस्टर भी कहते हैं। बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए पतंजलि न्यूट्रीला का कैप्सूल है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं या नहीं है, और ये किस हद तक बॉडी में एनर्जी देता भी है या नहीं, या जस्ट बातूनी चीज़ें हैं। सो ऑल इज़ वन, सारा कुछ मैंने कई जगह इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया है, बिकॉज पतंजलि के प्रोडक्ट का हर जगह पे अलग अलग रिव्यू है। तो मैंने हर जगह का रिव्यू देखा और उसमें एक कंसोलिडेट मैंने बनाया है कि क्या क्या मेन पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए बिफोर कंज्यूमिंग दिस कैप्सूल। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा पतंजलि न्यूट्रीला डेली एक्टिव कैप्सूल के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाओं और प्रोडक्ट के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि पतंजलि आयुर्वेद का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। आजकल अधिकतर लोग बड़ी बड़ी तथा कंपनी उनसे जुड़ी अंग्रेजी दवाओं को लेना अधिक पसंद नहीं करते, किंतु पतंजलि ने आयुर्वेद के प्रोडक्ट को भारत में लाकर तथा उसके अच्छे परिणाम देकर लोगों के मन में तसल्ली दिलाई है कि आयुर्वेद में आज भी उतनी ही शक्ति है जितनी प्राचीन समय की आयुर्वेद की दवाओं में हुआ करती थी। तो इसी प्रकार से पतंजलि की न्यूट्रीला डेली एक्टिव कैप्सूल से यह ताकत मिलेगी, और सभी विटामिन और मिनरल प्राकृतिक स्रोत से भरपूर है यह कैप्सूल। इसके सेवन से इम्यूनिटी मजबूत और शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें कई तरह के प्राकृतिक हर्बल एक्सट्रैक्ट को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आइए इसमें शुरू करते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले मैं इसके आपको बेनिफिट बता देता हूँ जो ये कंपनी, जो ये कैप्सूल अपना बताते हैं। यह दवा दैनिक ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए एक शक्तिशाली मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल पूरक है। इसमें 13 तो अप्रोक्सीमेटली विटामिन है, 12 खनिज हैं, और जो 8 प्राकृतिक जैविक जड़ी बूटियाँ हैं, और 8 अमीनो एसिड का ये संतुलित संयोजन है। इस दवा में सारा कुछ ये शामिल है जो मैंने आपको बताया है। यह दवा दिल, आँख और मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह दवा इम्यूनिटी पावर की मजबूती बनाती है, स्वस्थ और मजबूत हड्डियों और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में भी काफ़ी सहायक है। अब दोस्तों, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स घटक बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें मिला हुआ है। इसमें चावल जैव किण्वित लाइक एक्सटेंडेंट पाउडर मिला हुआ है, चावल का मशरूम का एक पाउडर मिला हुआ है इसमें। बिकॉज टेक्निकल नेम है, आपको लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। क्वेरेसिटिंग पाउडर मिला हुआ है, हरी चाय की पत्ती का जो पाउडर होता है एक्सटेंशन पाउडर, वो मिला हुआ है आपका। गिक्को बिलोवा एक्सटेंशन पाउडर मिला हुआ है, ग्रेग एक्सटेंशन पाउडर मिला हुआ है, कद्दू के बीज का एक्सटेंशन पाउडर मिला हुआ है, ट्रिविस एक्सटेंशन पाउडर है, मकई जैव किण्वित एक्सटेंशन पाउडर है, खनिज मिश्रण है, प्लस लास्ट में विटामिन मिश्रण है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, और ये जो भी लोग खा रहे हैं, मेरे पास मैंने कई रिव्यूज़ देखे हुए हैं, तो रिव्यूज़ उनके अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे आप बताइएगा, अगर आप लोगों में से किसी ने इसका ऑलरेडी सेवन कर रहे हैं, तो मुझे आप बताना कि आपको ये फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। बिकॉज नुकसान का मैंने कहीं भी ऐसा कुछ सुना नहीं है। फिर भी एक बार ही खाने से पहले, बिकॉज एज टू एज डिपेंड करता है, डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लें। और ये वीडियो मुझे आप बताइएगा कैसा लगा, कुछ इसमें छूट गया है या कुछ आपने प्रश्न करना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, डेफिनेटली आई विल गिव इट द आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।